तो एक्सरसाइज 5.2 में स्टार्ट जब हर सवाल करेंगे हम, तो हर सवाल में यही दो फॉर्मूले यूज होंगे हर सवाल में। मतलब पहले हम स्टार्ट इस वाले फॉर्मूले से करेंगे और एंडिंग जो हो रही होगी वो इस वाले फॉर्मूले से हो रही होगी। एक ही सवाल में दो फॉर्मूले लग रहे होंगे हर सवाल में तकरीबन पहले स्टेप के अंदर। अच्छा थोड़ा ये भी बता दूं मैं आपको, 5.2 के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, बड़े क्वेश्चन भी हैं, अलग अलग टेक्निक के क्वेश्चन भी हैं, दो पार्ट बने हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन है वो एक अलग टेक्निक अलग मैथड से होते हैं और पार्ट बी के क्वेश्चन थोड़े अलग मैथड और अलग टेक्निक से होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्लेन मोड पे लगाया, एक मिनट वेट करिएगा भाई। जी तो क्या बात हो रही है बेटा, बात ये हो रही है सारे बच्चों से अच्छी तरह सुन लीजिए कि हमारे पास अब इन दोनों फॉर्मूलास को यूज करते हुए हम काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सब बच्चे मिलके ले लें, पहला पार्ट करवा रहा हूं, ये पार्ट जो अब आप करने वाले हैं इसके टोटल अपर पार्ट के जितने क्वेश्चन है तकरीबन 5.2 का पेज नंबर ओपन करें सारे बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 एक्सरसाइज 5.2। इसके अंदर बकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन रिजॉल्व इनटू फैक्टर। देखिए सवाल तो एक ही लिखा होगा, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहली जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। ये क्वेश्चन है आपका पहला पार्ट। इस क्वेश्चन को उर्दू में पहले इसकी पहचान लिख लीजिए कि आपके पास पहचान क्या होगी इन क्वेश्चंस की, रोमन में उर्दू में मैसेज वाली लैंग्वेज में अपने पास लिख लीजिए सबसे पहले कि इन क्वेश्चंस की पहचान क्या होगी। शाबाश इब्राहिम, इब्राहिम यदि इन बरो ब्लैक वाली जी। अब देखो भाई सबसे पहली चीज आप उर्दू में रोमन में लिखो, इसमें आपके पास पहचान क्या होगी। सवाल में आपके पास चार टर्म दी हुई होंगी, देखो क्वेश्चन में हमेशा चार टर्म होंगी, क्वेश्चन में हमेशा चार टर्म होंगी बेटा। स्क्रीन बिल्कुल साफ है, आपका नेट स्लो चल रहा है। क्वेश्चन में हमेशा चार टर्म दी हुई होंगी, और एक ऐसा स्क्वायर दिया होगा, और एक ऐसा स्क्वायर दिया होगा जो माइनस में होगा, एक ऐसा स्क्वायर दिया होगा जो माइनस में होगा, एक ऐसा स्क्वायर जो माइनस में होगा। सवाल में चार टर्म दी होंगी, दोबारा सुन लें, सवाल में चार टर्म गिवन होंगी और एक ऐसा स्क्वायर होगा जो माइनस में होगा, सवाल में चार टर्म गिवन होंगी और एक ऐसा स्क्वायर होगा जो के माइनस में होगा। ये वेट करें एक मिनट, एक ऐसा स्क्वायर होगा जो के माइनस में होगा। जी अब देखिए जरा समझने वाली बात है, क्लियर करें इस चीज को कि आपके सामने
अगर फैक्टर्स को रिजोल्व करना है, ये चार ड्रम है आपके पास, कितने ड्रम है, चार ड्रम। इन चार ड्रम में एक ऐसा स्क्वायर गिवन होगा जो माइनस में होगा, वो कौन सा स्क्वायर है, बी स्क्वायर, बी के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। तो जो स्क्वायर आपके पास होगा, बेटा तमाम बच्चे बताइए, बोर्ड क्लियर है तमाम बच्चों को, जल्दी से बताइए, शाबाश, बोर्ड क्लियर है तमाम बच्चों को, बिल्कुल सही है बेटा, सबको नजर आ रहा है, जिनका नेट थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है उनको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, वेट करें, थोड़ा ब्लर है वो सेट हो जाता है बेटा साथ साथ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बिल्कुल सही नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट साथ साथ में ग्रुप में भेजता रहूंगा, सवाल जो भी कराऊंगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अच्छा देखिए, समझने वाली बात क्या है कि जब हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में चार टर्म है और एक ऐसा स्क्वायर है जो माइनस में है, वो बी स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है इसके साथ, हम उस बी स्क्वायर जो कि माइनस में, उसे अलग कर देंगे, यानी ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस टू ए लिख दिया, प्लस वन लिख दिया और माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। हमने उस वाले स्क्वायर को जो माइनस में है उसे सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, पहला काम ये काम हुआ। अच्छा मैंने कहा एक ही सवाल में दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक फॉर्मूला या तो ये वाला होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये दोनों एक जैसे फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है ना, या तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा या तो नीचे वाला, लेकिन दूसरा फॉर्मूला लाजमी तौर पर यही वाला लगेगा हमेशा। एक ही सवाल में दो फॉर्मूले, या तो ऊपर वाले दोनों में से कोई एक लगेगा या तो नीचे वाला। तो अब जरा सुन लीजिए, क्लियर करिएगा इस बात को, सिर्फ इतना हिस्सा देखिएगा फॉर्मूले का, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, इसमें ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन के अंदर पहला ए स्क्वायर है, दूसरा माइनस टू ए बी है और तीसरा प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम फॉर्मूले के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहां माइनस का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, शाबाश, मुझे बताइए मुझे कैसे ये बात पता चली कि मुझे यहां माइनस का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, शाबाश मेरे बच्चों बताइए, बीच में टू ए की साइन को देखते हुए, वेरी गुड शाबाश, बीच में टू ए की साइन को देखते हुए हमें पता चला कि हमें यहां पर हमें बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को देखते हुए, बिल्कुल राइट हैंड साइड को देखते हुए हमें पता चला कि भाई राइट हैंड साइड का माइनस टू ए भी है तो यहां पर माइनस टू है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम देखो मैंने आपको उस वक्त भी 5.1 में ये बात बताई थी बेटा, याद रखिएगा हमेशा, सारे बच्चे इस बात को याद रखें, सुन ले मेरी बात, कि जब राइट हैंड साइड में पता होता है तो हमें सिर्फ ए और बी चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड फॉर्मूले की दी हुई हो तो हम आंसर में कौन सी साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं पहले सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में पुट करके देखता हूं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और आगे माइनस बी स्क्वायर अलग कर दिया। अब देखें इस ए की जगह पर क्या आना चाहिए, ए, और बी की जगह क्या आना चाहिए, वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ए की जगह ए आ गया, बी की जगह वन आ गया। तो चेक करें क्या ये ऊपर वाली चीज बन रही है आपकी, मतलब ये वाली ए स्क्वायर माइनस टू वन जा टू ए प्लस वन वन जा वन, यानी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड सही लगी हुई है। अब इसको बन किस में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह पर क्या आ गया, ए, बीच में क्या आ गया माइनस, फिर बी की जगह पर क्या आएगा वन, इसके ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर और आगे वाला माइनस बी स्क्वायर, ऐसे उतर जाएगा।
अब जरा सुनिए, एक फॉर्मूले की वर्किंग तो हो गई, वो कौन से फॉर्मूले की वर्किंग हुई, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन दूसरे फॉर्मूले की वर्किंग कैसे होगी, दूसरे फॉर्मूले की वर्किंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होगी, जो मैंने कहा हमेशा दूसरा फॉर्मूला ये वाला लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या बोला आपको, मैंने अभी उर्दू में आपको रूल लिखवाया, उर्दू में मैंने आपको सबसे पहले रूल लिखवाया कि हमारे पास सवाल में कितनी टर्म गिवन होंगी, चार, देखो एक दो तीन चार, और एक ऐसा स्क्वायर गिवन होगा जो माइनस में होगा, वो कौन सा स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर माइनस में होगा उसे हम अलग कर देंगे, देखो ये अलग कर दिया हमने, ठीक है। हमेशा एक ऐसा स्क्वायर, हमेशा एक ऐसा स्क्वायर सवाल में होगा जिसको, जो माइनस में होगा उसको हम सेपरेट कर देंगे, और उसकी वजह मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा कि उसको हम सेपरेट क्यों करते हैं। तो पहला काम ये हो गया, जरा गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, जिसमें हमने बी स्क्वायर को अरेंज किया, तो बेटा हमारे पास इतने हिस्से पर एक फॉर्मूला लग रहा है, बी स्क्वायर को छोड़ के जो सेपरेट किया है आपने उसको हटा के, इतने हिस्से में फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस मुझे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट करके चेक करना है क्या हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में पुट किया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सवाल यहां पैदा होता है, आपको कैसे पता ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू वन है, तो 5.1 याद करिए, पहला वाला ए कहलाता है, आखिरी वाला बी कहलाता है, तो बेटा पहला वाला ए है, आखिरी वाला बी है, तो बेटा जहां जहां ए आ रहा है फॉर्मूले के अंदर वहां मैं ए रख दूंगा, और जहां जहां बी आ रहा है वहां मैं वन रख दूंगा, तो बेटा जब मैंने रखा तो मेरे पास वही चीज वापस बन रही है। अपने इस फॉर्मूले को, इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को मैं कहां बंद कर दूंगा, मैं कहां बंद कर दूंगा, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पर, तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह क्या आया, ए, बीच में क्या आ गया माइनस, बी की जगह क्या आया वन, इसके ऊपर क्या लग गया होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में बंद हो गया, और आगे वो वाला बी स्क्वायर जो आपने सवाल के शुरू में सेपरेट किया था, वो वाला बी स्क्वायर जो सवाल के शुरू में सेपरेट किया था उसको अलग कर दिया। अब सुनो भाई, अभी एक सवाल का आंसर नहीं आया है, अभी एक काम और करना है हमें, देखिए अब वो क्या काम है, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बताइए। मैंने आपको बोला अब दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो दूसरा फॉर्मूला कौन सा वाला है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये पूरा ए है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा अब हम इसमें बकायदा तौर पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो पहला काम हम यही करेंगे कि भाई हमें पता होना चाहिए कि अगर ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें कौन सी साइड लिखनी है, राइट हैंड साइड। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें एक काम करेंगे कि हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, देखो इसमें से स्क्वायर, लेकिन इसमें से स्क्वायर बाहर है और ये बी है, तो बी के ऊपर से मैं कह सकता हूं कि स्क्वायर बाहर है, कि मेरे पास ब्रैकेट लगा दूं अगर मैं, तो ये पूरा ए स्क्वायर हो गया और ये पूरा क्या हो गया, बी स्क्वायर। इसका आगे से मतलब नहीं है कि हमेशा आप स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, नहीं, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखा होगा जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखा होगा जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखा होगा जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। आप आओ जल्दी से, शाबाश, हम इसको बंद करेंगे फॉर्मूले में, हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे, ए की जगह क्या आ रहा है, ए माइनस वन, ए की जगह क्या आ रहा है, ए माइनस वन, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, बी की जगह क्या आ रहा है, बी, तो ए प्लस बी हो गया। इसी अंदाज से जब हम उसका माइनस वाला ब्रैकेट भी लगाएंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब बस इसको अरेंज करना है, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर माइनस वन लिखेंगे, मतलब जिस तरह हम वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं फिर कांस्टेंट आता है, वैसे बुक के पीछे ये अरेंज होकर आंसर आया हुआ है, ए प्लस बी माइनस वन, ए माइनस बी माइनस वन। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ इसके अंदर,
तो बेटा मेरी बात को आप समझिए दोबारा एक दफा कि एक ही सवाल के अंदर कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक ही सवाल के अंदर बेटा कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, दो। पहला जो फॉर्मूला यूज होगा वो ऊपर वाले दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो हमेशा कौन सा यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है, स्टूडेंट्स इस बात को समझ लीजिए सारे, कि मुझे पहले वाले फॉर्मूले को ढूंढना है और फिर मैं बाद में दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। पहला फॉर्मूला कैसे आएगा, इसके लिए मैंने आपको रूल लिखवाया, चार टर्म होंगी, एक ऐसा स्क्वायर होगा जो माइनस में होगा, कौन सा वाला स्क्वायर है जो माइनस में है। आप देखिए, एक तो ए स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा स्क्वायर है, बी स्क्वायर, वो क्या है, हर सवाल में यही होगा, एक स्क्वायर ऐसा दिया होगा जो किसमें होगा, माइनस में होगा, उसको आप अलग कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अलग कर दिए। अब बताओ, अच्छा जरूरी नहीं कि ये बी स्क्वायर ही हो भाई, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है और या कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाए, तो बोलूंगा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो बेटा वो भी माइनस में, आने वाले सवालों में नंबर भी हो सकता है बी स्क्वायर की जगह। ठीक है, अब जरा सुनिए, हमने बी स्क्वायर को अलग किया, इतने हिस्से पर एक फॉर्मूला बंद हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसको पुट करके पहले चेक किया, और बाकी हिस्से पर फॉर्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस, ए प्लस बी ए माइनस, और उसके बाद हमने उसको अरेंज करके लिख दिया। ये है आपका सवाल, कॉपी करें तमाम बच्चे, शाबाश जी। ये पुट करने वाला स्टेप जरूरी है करना, ये फॉर्मूला में बन गया है, ए की जगह क्या आया, ए माइनस आ गया, बी की जगह क्या आया, कैसे पता भर, इसकी वजह से, तो वन का होल स्क्वायर। बेटा फॉर्मूले में बंद हो गया, फलक फॉर्मूले में बंद हो गया, ये 2a, मैंने हमेशा 5.1 में भी ये बात समझाई है, ये 2a कहां चला गया, ये 2a फॉर्मूले में बंद हो गया, फॉर्मूले में 2a थोड़ी आएगा, ये तो 2ab राइट हैंड साइड थी सवाल के अंदर, ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड में आंसर लिखा, 5.1 भूल गई क्या जी। बेटा स्क्रीनशॉट लेकर मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, आप सारे जल्दी से कॉपी भी करते जाए, एक मिनट। ग्रुप में सेंड कर रहा हूं मैं, वेट करें, स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर रहा हूं। एक मिनट बेटा,
एक मिनट बेटा, जी आंसर अरेंज करना जरूरी है बुक के अकॉर्डिंग, दी आंसर अरेंज करना जरूरी है। हो गया भाई, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा आपको पता है कि अभी सर्दियों की छुट्टियां स्कूल के लिहाज से पड़ेंगी, कोचिंग के हवाले से आपको पता है कोई सर्दी वर्दी नहीं होती, सिर्फ गर्मी होती है, और गर्मी में भी कोई छुट्टी वट्टी नहीं होती। ठीक है भाई, तो इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई सर्दियों की कोई छुट्टियां कोचिंग में भी पढ़े। सही है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसने उसने जब पिछली क्लास नहीं ली थी उसने मुझसे समझ लिया आके। तो ऐसा कोई भी बच्चा हो नेट की वजह से क्लास ना ले तो वो मेरे पास कोचिंग आके समझ लिया करे। ठीक है भाई, तमाम बच्चों से कहूंगा ये आपके पास एडवांटेज है कि आप कोचिंग आके समझ सकते हैं, मैं आपको एनी टाइम कोचिंग में मिलूंगा। नहीं बेटा फलक फिजिकल क्लास नहीं होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं किसी भी वक्त आके, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा भाई अब देखिए रिजॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सर अभी तो आपने बड़ा आसान वाला क्वेश्चन लग रहा है ये करा दिया, अब जरा मुश्किल भी तो कराया, पता चले क्या है मुश्किल क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो आइए शाबाश। देखिए भाई अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो मैं करा रहा हूँ। देखो अभी आप बुक से मत देखिएगा, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप के, लेकिन मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c² प्लस 6ac। अब देखो भाई बोर्ड पर, नहीं बेटा नहीं, फिजिकली कोई क्लास अभी शुरू नहीं होगी, ऑनलाइन ही चलेगा फिलहाल अभी। क्या आपको पता है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग फिजिकल नहीं ले रहे, सिर्फ असाइनमेंट के तौर पे लिए आप आओगे या फिर असाइनमेंट के लिए आओगे, और बाकी समझ रहे हैं आप असाइनमेंट के लिए आएंगे या फिर कोई काम चेक कराना हो, दिखाना हो, कोई बात समझनी हो, फिर आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनिए भाई, लिसन, यहां पर 3 स्क्वायर दिए हैं। देखो 4 टर्म तो है, 1 2 3 4, लेकिन इन चारों टर्म में एक ऐसा स्क्वायर माइनस में, एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जो माइनस में, वो कौन सा स्क्वायर है? बी स्क्वायर। मिस फायदा कर जल्दी लिखा गया। अच्छा मैं एक सवाल समझाने के बाद करूंगा, मिस फायदा को कह दो 5 मिनट वेट कर। एक ऐसा स्क्वायर जो माइनस में, उसे हम अलग कर देंगे। तो कैसे अलग करेंगे? अब देखिए हम अलग करेंगे कि भाई हमने ए स्क्वायर लिख दिया प्लस 9c² लिख दिया प्लस 6ac लिख दिया माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, यानी बी स्क्वायर को अलग कर दिया। अब एक मसला है इसमें, इधर फॉर्मूला तो लग रहा है लेकिन 2ab बीच में नहीं है, तो एक और दफा अरेंज करेंगे जिसमें 2ab बीच में आ जाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस 6ac प्लस 9c² माइनस का बी स्क्वायर। अब आपने जहन चला रहा है, देखो जरा गौर से, इतने हिस्से पर फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अब के बार फॉर्मूला प्लस का लग रहा है या अब के बार फॉर्मूला माइनस का लग रहा है? प्लस का लग रहा है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे पता है इतना हिस्सा फॉर्मूले के राइट हैंड साइड शो कर रहा है, तो मैं फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पर पुट करूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अलग से लिख दिया। बेटा आप बताओ a की जगह पर क्या आएगा? a की जगह आ गया a। अब गौर से सोच के बताना सारे बच्चे, शाबाश,
ये 9c स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, b की वैल्यू क्या होगी, 9c स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3c, देखिए पूरा बताएं, 3c, शाबाश सारे बच्चे, वेरी गुड, शाबाश 3c, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो बेटा मैंने b की जगह पर क्या लिख दिया, 3c, और b की जगह क्या लिख दिया, 3c, चेक करें भाई क्या यही चीज बन रही है आपकी, a स्क्वायर 2 3 6ac प्लस 3 3 9c स्क्वायर। इसको फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में बंद करना है जैसे 5.1 में बंद करते थे, यानी a की जगह पर क्या आएगा, a, और b की जगह पर क्या आएगा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, तो बेटा a की जगह पर आया a प्लस 3c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और माइनस b स्क्वायर। तो बताओ भाई क्या एक फॉर्मूला बंद हो गया, क्या अब दूसरा फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा हम यहां पर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बेटा ए की जगह पर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, ए की जगह आएगा ए प्लस 3c, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, बताइए क्या अब हम अरेंज करेंगे इसको, शाबाश बताइए क्या हम अरेंज करेंगे इसको, बिल्कुल, दुनिया में पहले ए फॉर एप्पल आया, बाद में बी फॉर बॉल आया, और फिर सी फॉर कैट आया, ठीक है ना, तो इसलिए आपने पहले ए लिखना है, फिर बी, फिर थ्री सी, ए माइनस बी प्लस थ्री सी, कल हम खेलेंगे। स्क्रीनशॉट भेज देता हूं भाई, लेकिन आप लोग अपने केबल नेट वाले को जरा समझाएं कि भाई केबल नेट जरा अच्छा वाला कर दे हमारा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। शाबाश, देखें जब समझ आया करें, अल्लाह का शुक्र अदा जरूर किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोला करें, बहुत अच्छा लगता है ये जब कोई बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है भाई, जरूर अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड बोला करें। ठीक है भाई, हाँ मैं स्क्रीन शॉट सेंड कर रहा हूं उसका, अच्छा ये स्क्रीनशॉट में शामिल नहीं होगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगी अब आप, ये सब स्क्रीनशॉट में नहीं है। ये तो है लेकिन ये नहीं है स्क्रीनशॉट में, ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूं आपको, बिल्कुल मिस फायसा का लिंक अभी ग्रुप में आने वाला है, तो तमाम बच्चे जो है ना वो मिस फायसा के लिंक को फिर क्लिक करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, ठीक है भाई, तो शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए सबने कर लिया, सबने कर लिया, रब कर दो बेटा, मतलब एंड कर दो मीटिंग,